हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग ग्रो ऐप चलाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर मात्र 10 मिनट में ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद चलिए अब ग्रो ऐप को यूज़ कैसे करना है, मीन्स ग्रो ऐप में स्टॉक्स को बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, स्टॉक्स को सर्च कैसे करते हैं, एंड सेकेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, SIP कैसे करते हैं, एंड थर्ड इसमें एक पे का ऑप्शन है, इसमें UPI सेटअप कैसे करते हैं, एंड UPI सेटअप करने के बाद बैलेंस चेक कैसे करते हैं, रिचार्ज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, ये सब पे कैसे करते हैं, और थर्ड इसमें यहाँ प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑर्डर जितने भी आप स्टॉक्स बाय किए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, उसे आप कैसे देखेंगे, बैंक अकाउंट्स इसमें जो भी डिटेल्स है उसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे करेंगे, ऐड करना चाहें तो ऐड कैसे करेंगे, और इसमें मनी ऐड कैसे करेंगे, मनी को ऐड कर लें तो उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, और यहाँ इस पर क्लिक करके अगर आप अपने ईमेल या मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सब भी चीज़ें जानने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं ग्रो ऐप को शुरू से ओपन कर लेता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स मैं अपने डिवाइस में ग्रो ऐप को शुरू से ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स ओपन हो रहा है तो ओपन तक वेट कर लेते हैं। उसके बाद से आपके ग्रो ऐप का जो भी पिन है उसे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक ग्रो ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ आपको स्टॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। यहाँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का इंडेक्स शो होगा। उसके बाद यहाँ एक्सप्लोर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ मोस्ट बॉट ऑन ग्रो ग्रुप में जो भी सबसे ज़्यादा बाय किया गया है उस शेयर्स का लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक और SJVN और इंडियन रेलवे और HDFC बैंक का शेयर ग्रो ऐप में सबसे ज़्यादा बाय किया गया है। उसके बाद से यहाँ पॉपुलर एंड टूल्स में आप इस यहाँ इंट्राडे IPO ये सब के बारे में यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद से गेनर्स में यहाँ लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल कैप में जो भी गेनर्स होगा वो यहाँ शो करेगा, और लूजर्स में जो भी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में जो भी लूजर्स होगा वो स्टॉक्स यहाँ शो करेगा। ओके, तो यहाँ होम पेज पर ये देख सकते हैं। उसके बाद से अगर आप किसी शेयर को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ एक शेयर को सर्च करता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, तो इस शेयर को जैसे आप सर्च करेंगे तो इस शेयर आ जाएगा, और इस शेयर का यहाँ से ग्राफ देख सकते हैं, और इस शेयर से रिलेटेड यहाँ ओवरव्यू जैसे कि परफॉर्मेंस यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से न्यूज़ इस शेयर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इवेंट पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट इस शेयर से रिलेटेड यहाँ एक्सपोर्ट रेटिंग दी गई है, और यहाँ फंडामेंटल्स दिया गया है जैसे कि PE रेशियो, इंडस्ट्री PE, ये सब आप यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ फाइनेंशियल यहाँ एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ से क्वार्टरली ईयरली ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं, और इस स्टॉक्स का जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी यहाँ रिसर्च कर सकते हैं इस शेयर के बारे में। उसके बाद से अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे एक ही दिन में सेल या बाय कर देना चाहते हैं तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। इंट्राडे ये जब टाइमिंग ओपन होता है शेयर मार्केट का तभी ये काम करेगा। ओके, और यहाँ क्वांटिटी में आप NSE से बाय करना चाहते हैं या BSE से, उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लिमिट या मार्केट प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं, या आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि इस प्राइस पे अगर आप जो भी यहाँ प्राइस सेट करेंगे उसी प्राइस पे आपका शेयर बाय हो तो आप यहाँ लिमिट लगा सकते हैं, या मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ मार्केट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आपके बैलेंस नहीं हुआ तो आप यहाँ बैलेंस ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स चले मैं इसमें पहले बैलेंस ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें बैलेंस ऐड करने के लिए आपको इस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद चले मैं यहाँ 500 ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद से आपका जो भी लिंक अकाउंट होगा वो यहाँ शो करेगा। उसके बाद से आपको ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें तो आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। तो फ्रेंड्स ये डिवाइस वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है तो आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपके डिवाइस का जो भी आपके अकाउंट का जो भी UPI पिन है उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ साइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स से मनी ऐड हो रहा है तो आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। तो फ्रेंड्स से पेमेंट सक्सेसफुल यानी मनी ऐड हो चुका है। अब आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको चले मैं फिर से जहां तक था वहां तक चला जाता हूं। एंड देन यहां बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी
सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक ही दिन में शेयर को बाय एंड सेल कर देना चाहते हैं तो आप इंट्राडे करेंगे, तो इंट्राडे तभी वर्क करेगा जब मार्केट ओपन होगा। तो अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है तो अभी वर्क नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिलीवरी करने वाले हैं, तो आपको यहाँ डिलीवरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आप स्टॉक्स को किस एक्सचेंज से बाय करना चाहते हैं, एनएससी से बाय करना चाहते हैं या बीएससी से, उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से कितने स्टॉक्स को आप बाय करना चाहते हैं उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ एक स्टॉक्स को बाय कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ प्राइस लिमिट में आप जो भी यहाँ प्राइस सेट करेंगे उसी पर आपका शेयर बाय हो, तो उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में जो भी इसका रेट चल रहा है उसी पर बाय हो, तो आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मार्केट में जो भी इसका रेट होगा उस मार्केट प्राइस पर आपका शेयर बाय हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका शेयर बाय हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप शेयर को बाय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर आप शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आपको फिर से सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो भी आपके एस्टिमेट अकाउंट में शेयर है उसे आप यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप डिलीवरी करेंगे। उसके बाद से यहाँ जो भी आप का एक्सचेंज है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप कितने क्वांटिटी में शेयर को सेल करना चाहते हैं उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से प्राइस लिमिट यहाँ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो इसे मार्केट प्राइस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ आप सेल करेंगे तो ये आपका सेल हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी मेरे इस डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं है इसलिए सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ग्रो ऐप के थ्रू किसी शेयर को सर्च करके बाय कर सकते हैं। एंड सेल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए अब बैक करते हैं। बैक करने के बाद चलिए अब जान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में आना है। म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं डैशबोर्ड, SIP, वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखाया। वॉच लिस्ट में क्या होता है कि आप जो भी इसमें स्टॉक्स या जो भी म्यूचुअल फंड्स ऐड किए होंगे वो वॉच लिस्ट में यहाँ शो करेगा। ओके, तो वॉच लिस्ट का यही काम है। ओके, वॉच लिस्ट जैसे कि वॉच लिस्ट हो गया और इसमें जो भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड करेंगे, या आप कोई भी यहाँ शेयर सर्च करते हैं जैसे ये सर्च कर लिया और इसे वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करके आप अपना कोई न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ माई वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और सेव करेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। और जैसे मैं बैक करता हूँ और यहाँ वॉच लिस्ट में आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया था, यहाँ वॉच लिस्ट में माय वॉच लिस्ट में ये वाला शेयर अभी ऐड किया था, ये हो गया। ओके, और यहाँ वॉच लिस्ट पर क्लिक करके आप और भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें और भी म्यूचुअल फंड और जो भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ थे वॉच लिस्ट में। उसके बाद से अगर आप इसमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिख जाते हैं, तो यहाँ जो भी पॉपुलर फंड्स है उसको यहाँ शो कर रहा है। और नीचे यहाँ कलेक्शन में हाई रिटर्न वाले SIP विथ, अगर आप हाई रिटर्न वाले टैक्स सेविंग वाले ये सभी म्यूचुअल फंड्स का यहाँ कलेक्शन दिख जाता है। ओके, तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप जो रिसर्च किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च करेंगे। जैसे कि मैं एक सर्च कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक कोई भी एक इंडेक्स फंड सर्च कर लेता हूँ, तो फिलहाल हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। चलिए मैं फ्रेंड्स मैं यहाँ बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से अगर आप इसमें वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम करेंगे। ओके, या आप चाहते हैं कि इसमें SIP के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करें पर मंथ, तो आप स्टार्ट SIP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें आप उसे यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद से आप यहाँ अगर चाहते हैं कि आपका एवरी मंथ में SIP हो तो आप यहाँ कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ 5 कर देता हूँ। उसके बाद से आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपका SIP एवरी मंथ 5 को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ये आपके उस जो भी आप यहाँ सेलेक्ट किए हैं इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके जो भी फ़ोन नंबर होगा इस अकाउंट में उस पर OTP जाएगा, OTP ये वेरीफाई होगा, तो आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। वेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ UPI एंटर करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स आप SIP को बंद भी कर सकते हैं कभी भी चाहे तो। ओके, तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर फेल हो चुका है बिकॉज मैंने नहीं किया। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप SIP में किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं या वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे का ऑप्शन आता है, तो पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
अगर आप इसमें यूपीआई सेटअप हम लोगों ने वहां मनी ऐड किया तो यहां यूपीआई ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। उसके बाद अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहां चेक बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे तो आपको बैलेंस चेक हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने के बाद यहां आपको पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, तो यहां मोबाइल नंबर के थ्रू आप किसी को मनी पे कर सकते हैं, यहां से स्कैन करके पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिल एंड रिचार्ज में जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग, लोन, ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, ये सब आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ माई ट्रांजेक्शन में आप जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो शो करेगा। आप अपने खुद के अकाउंट में जो भी पैसा सेंड करना चाहते हैं फिर से वो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ से और भी मोर यूपीआई ऑप्शंस पर क्लिक करके आप और भी अकाउंट, बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यूपीआई को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से क्यूआर कोड को देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप कोई भी बिल ऑटोमेटिक पे हो जाए तो यहाँ से ऑटो पे वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ शो करेगा। ओके, और यहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं इस बैलेंस को। उसके बाद से आप मनी ऐड करना चाहें तो ऐड मनी पर ऑप्शन, ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी बैलेंस ऐड करना चाहें तो आप अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ आप ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करके आप जितने भी शेयर बाय किए होंगे वो यहाँ शो करेगा। जैसे कि मैंने अभी एक शेयर बाय किया था तो वो शेयर यहाँ शो कर रहा है। और यहाँ म्यूचुअल फंड बाय किए होंगे तो म्यूचुअल फंड में शो करेगा। उसके बाद यहाँ बिल एंड रिचार्ज में जो भी आप मोबाइल रिचार्ज या जो भी बिल पे किए होंगे वो यहाँ शो करेगा। ओके, उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ बैंक डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपने बैंक डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस बैंक को डिलीट करना चाहें तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और भी बैंक ऐड करना चाहें तो ऐड अनदर बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ आपको कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता है। उसके बाद यहाँ कोई भी आपको इस ग्रो ऐप में आपको एरर आता है तो यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से इस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं कि नेम देख सकते हैं, मोबाइल नंबर देख सकते हैं, पैन देख सकते हैं, जितने भी डिटेल्स है, डीमैट अकाउंट नंबर, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी चेंज करना चाहें तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ओके, और जैसे आप पेज स्क्रॉल ऑन करेंगे तो यहाँ आपका डीपी आईडी शो होगा। ओके, और यहाँ आपका डीमैट अकाउंट नंबर शो करेगा, तो इसे आप कॉपी करना चाहें तो यहाँ कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप डार्क मोड इनेबल करना चाहें तो डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से पिन चेंज करना चाहें इस डिवाइस का, इस ग्रो ऐप का, तो यहाँ से पिन चेंज कर सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं कि आपका ग्रो अकाउंट अभी किस किस डिवाइस में लॉग इन है तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद सबको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से ग्रो ऐप से लॉग आउट हो सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ग्रो ऐप में शेयर को बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, और इसमें एक पे का ऑप्शन है, इसमें हम बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं, और जो भी इसमें मनी ऐड किए उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करते हैं, और जो भी अगर आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना चाहे तो उसे एडिट करके चेंज कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट ऐड या रिमूव कैसे करते हैं, और इसमें डार्क मोड ये सब इनेबल कैसे करते हैं, ये सब इस वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।